listening. अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़े की रेसिपी बता रही हूँ। थोड़ा मेरा पैन खुश्क हो जाए, इसमें पानी था, फिर मैं ऑयल डालूँगी इसके अंदर। मैंने आटा गूंद के जो रख दिया उसमें बेकिंग पाउडर डाला है और जो है सोडा डाला है, ताकि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से हो जाए खुश्क। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन के पीस, ऐड करूँगी इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी इसके अंदर मैं, फिर जो है वेजिटेबल ऐड करूँगी इसके अंदर मैं, टमाटर डालूँगी, सॉस तैयार करूँगी मैं इसके अंदर, फिर मैं अजीनोमोटो डालूँगी, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी, पूरा हमारा मसाला जो है तैयार हो जाएगा। ब्लैक पेपर डालूँगी फिर मैं, ठीक है। अब मैं इसको बेल रही हूँ, इसको थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, दो को बेल रही हूँ मैं, इसमें बड़ा लेंगे दो, ताकि जो है हमारे फ्राई पैन में अच्छी तरह आ जाए। ये रहा फ्राई पैन और ये रहा मसाला। मैंने मायोनीज रखी हुई है यहाँ पे और केचप रखा हुआ है। बिल्कुल ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली इसमें, आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मली बनाया है ये, ताकि हर किसी की रेंज में आ जाए। महंगाई के दौर में हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। इसके अंदर मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, चाइनीज़ नमक ऐड कर दिया है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आए। ठीक है, मैं इसका मसाला बना रही हूँ पिज़्ज़े का, जो है फ्राई करने के बाद हमें तब ये बिल्कुल हल्की सी अच्छी रह जाए, तो हम इसके अंदर फिर जो है मैं इसको खूब फ्राई करके अच्छी तरह, और फिर मैं इसको रख लूँगी। ओके, फिर मैं इसमें डो जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर केचप लगाएंगे, मायोनीज लगाएंगे, वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगी। रेसिपी ट्राई करें और मेरे कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। चूल्हे पे बनाना सिखा रही हूँ, वरना ये माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से हो जाता है। जिसके पास माइक्रोवेव नहीं हो वो चूल्हे पर इसको आराम से इजली बना सकते हैं। हम ठीक है, ज़रा सा इस तरफ से सेक रहे हैं, क्योंकि मैं इसको पलट दूँगी, क्योंकि हमारे पास है पैन है, तो इसलिए मैं इसको उस तरफ पलट के फिर इस पर हम लोग पूरा इंग्रीडियंट्स डालेंगे पिज़्ज़ा की। ओके, अब देखें इस तरफ से ये मेरा थोड़ा सिक गया, क्योंकि मेरा पैन है। इसके बाद में इसमें मायनीज ऐड कर रही हूँ, स्पून दीजिए। ओके, इसके बाद में इसमें मायनीज ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से पूरे में, ओके सही, स्लो फ्लेम रखें आप इसका, स्लो फ्लेम करें, स्लो ही है।
ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अपना जो मैंने बनाया था मसाला। इसका बहुत डिलीशियस लग रहा है, आप देख सकते हैं वेरी डिलीशियस इसका मसाला बना हुआ है। ओके ठीक है, इसका ये मैंने अभी मैं इसमें केचप भी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी ये जरा फ्राई हो जाए। ओके चलें, अब मैं इसको ढक दूंगी और हम थोड़ी, ये देखिए अब ये रेडी है। इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। प्लेट दिखा लगता।